हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हम जो इस टॉपिक में चल रहा है हमारा, वो है क्लास 8 का विद्युत धारा। और हम अभी तक कवर कर चुके हैं बहुत सारे टॉपिक, और आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थ। इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरे को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके अलावा आप मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, मैं जल्दी मैथ्स की वीडियोज़ भी इस चैनल पर अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक है विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थ। विद्युत चालक से ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है वो उन वस्तुओं को विद्युत चालक कहते हैं, और जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है उन्हें कहते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। ठीक है, जब तक आप मार्क नहीं करते हो ना, तो लगता नहीं है कि आपने पढ़ाई करी है। ठीक है ना, तो इसलिए मार्क करना बहुत ज़रूरी है, और इंपॉर्टेंट चीज़ों को गोलंडा बना दो या हाइलाइटर से हाईलाइट कर दो उसको। ठीक है, और विद्युत चालक पदार्थ जैसे कि तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, ग्रेफाइट, पारा, ठीक है, ये सब विद्युत चालक पदार्थ हैं, विद्युत रोधी में आ जाएंगे। रबर, प्लास्टिक, सूखा कपड़ा, लकड़ी, कांच, जिनमें करंट नहीं दौड़ता है, जिससे हमें छूने पर करंट नहीं लगता है, वो है विद्युत रोधी। ठीक है ना, और जिन पर करंट लग जाता है वो है विद्युत चालक, जिसमें विद्युत चल सकती है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला है घरेलू विद्युत उपकरणों के प्रयोग में सावधानियाँ। सावधानियाँ हमें क्या क्या बरतनी चाहिए। सावधानियों में हमें मेन जो चीज़ है वो है हमारा इसमें फ्यूज़ के बारे में हमें बताया गया है कि हमें फ्यूज़ का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है ना, जैसे मेंस में एक स्विच होता है जिसके लिए विद्युत धारा का प्रवाह परिपथ में किया जा सकता है या रोका जा सकता है। ठीक है ना, जब किसी विद्युत परिपथ में उच्च वोल्टेज के कारण प्रबल शक्ति की विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उस विद्युत में लगे उपकरण जैसे बल्ब, पंखा, फ्रिज आदि खराब हो जाते हैं। ठीक है, मेंस आपने देखा होगा, सब जगह मेंस होता है, और मेंस का ही कनेक्शन फिर सारे जो हमारे उपकरण होते हैं उनमें होता है। ठीक है ना, उपकरणों खराब होने से बचाने के लिए प्रत्येक विद्युत परिपथ में एक कम गलनांक वाले मिश्र धातु के तार के टुकड़े का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम फ्यूज़ कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। यह तार का टुकड़ा एक विद्युत रोधी आधार के कटआउट में लगाया जाता है, इस छोटे से तार को फ्यूज़ कहते हैं, इसे मेंस की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आपने देखा होगा सबके घर में फ्यूज़ होता है कि फ्यूज़ कटआउट्स निकाल दो। कटआउट में एक आपको ना ऐसे पतला सा तार दिखेगा, जैसे ये है, इसमें ये कटआउट है, इसमें यहाँ पे एक पतला सा तार ऐसे जुड़ा हुआ दिखता है। ये जो तार होता है ना, यही फ्यूज़ तार होता है, और ये कम गलनांक वाले मिश्र धातु के टुकड़े से बनाया जाता है। जब कम गलनांक है इसलिए हल्का सा ही टेम्परेचर होने पर ये एकदम से गल जाता है, और यहाँ से तार टूट जाता है। जैसे ही टूट जाता है तो सारी जो लाइट है वो हमारी कट ऑफ हो जाती है। ठीक है, और इसे जो मेंस में है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिससे अगर ये कट ऑफ हो जाएगी लाइट, तो हमारे जो विद्युत उपकरण हैं वो ख़राब, जैसे हमारे पंखा है, टीवी है, फ्रिज है, ये सब हमारे ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि लाइट ही कट हो गई है तो फिर कैसे ख़राब हो सकते हैं। ठीक है ना, तो फ्यूज़ के अतिरिक्त निम्नलिखित सुरक्षात्मक उपाय का भी बनाने चाहिए, जिससे कि हमारा जो वो है चीज़ें हैं वो ख़राब ना हो। विद्युत धारा के खुले तार को नहीं छूना चाहिए, छूने से करंट लग जाएगा। भीगे हाथों से स्विच को नहीं छूना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो करंट है वो भीगे पानी जो है हमारा भीगे हाथ होंगे तो प्लास्टिक के थ्रू अंदर तक पहुंच सकता है, जो स्विच के साइड में स्पेस होती है, तो पानी जो होता है वो करंट का चालक होता है, विद्युत का चालक है, उससे हमें करंट लग सकता है। घरों में अच्छे विद्युत रोधी लेप वाले संयोजक तार लगाने चाहिए। विद्युत उपकरण मानक स्तर ISI के ही उपयोग में लाए जाएँ, मतलब विद्युत उपकरण जो है मानक स्तर के होने चाहिए, ऐसे लोकल नहीं होने चाहिए। घरों में वायरिंग कराते समय उदासीन तार का संबंध पृथ्वी अर्थिंग से अवश्य कराएं, अर्थिंग करानी चाहिए घरों में। विद्युत कार्य करते समय रबड़ के दस्ताने पहनने चाहिए, विद्युत अच्छा रबड़ के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए, क्या आप बता सकते हैं मेरे को। होपफुली आपको बताना चाहिए बच्चों, रबड़ के दस्ताने हम इसलिए पहनने चाहिए कि रबड़ जो है वो विद्युत रोधी पदार्थ है, मतलब उसमें विद्युत नहीं चल सकती है, तो उसमें करंट नहीं लगेगा। ठीक है ना, विद्युत परिपथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सुरक्षा फ्यूज़ का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। किसी प्रकार के खतरे की आशंका होने पर सर्वप्रथम मेंस का स्विच ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, चलिए और इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है अमीटर एंड वोल्टमीटर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय।